हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि क्लेरियन के डीजे लेके हाजिर हूँ, जो कि हमारा इस डीजे पे प्रॉब्लम किस तरह से आता है जब आपका साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं डीजे, तो इसका मॉडल भी आप लोगों को मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर। इसका बैक साइड में मॉडल है, ठीक है। तो ये है इसका मॉडल नंबर, देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका इसका जो सर्किट वगैरह है, इसमें आपको दिखाऊं अंदर का जो सर्किट है। ये जो सर्किट है इसके अंदर का, ये आपका रिपेयरेबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अगर कुछ भी खराब हो जाए पार्ट का, मतलब इस साउंड सेक्शन का, तो आपका रिपेयर हो जाता है। आप मैकेनिक को देने के बाद ये रिपेयर कर देगा आपको, ठीक है। तो कोई कोई सेट आता है डीजे का जो आपका रिपेयरेबल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें मतलब जो एसएमडी वाला किट आता है तो उसमें से प्रॉब्लम हो जाता है कि रिपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है और कस्टमर के लॉस होता है ज़्यादातर। तो ये मॉडल जो है, ये मॉडल खास है, जो ऊपर का जो आपका ये ऊपर का पैनल है, इसको खराब होने पर आपको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सर्विस सेंटर को कॉल करके भी रिप्लेस करा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है इसका ऊपर का, जो ये डीजे सेट है इसमें एक प्रॉब्लम आया था हमारा, जो कि आपका आरएल का प्रॉब्लम था। मतलब साउंड आपका फुल साउंड देने के बाद भी साउंड आपका ज़्यादा नहीं आ रहा था। इसका बेस जितना आना चाहिए था, मतलब जितना ऑडियो आना चाहिए था इसका, उतना ऑडियो नहीं आ रहा था। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर था, इसका प्रॉब्लम आपका दो जगह पर हो सकता है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम अगर आपका ऑडियो आ रहा है, मतलब जैसे 100 आवाज़ है, आवाज़ 100 है आपका आ रहा है 50 तक, तो उसमें उसके जगह पर आपका जो इसका आरएल आउट होता है और आपका ये सर्किट में इन होता है, वो ही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, ठीक है। मैं सॉरी, इसका रीज़न है कि जो आपका इस कार्ड से, जो यूएसबी कार्ड से जो आपका आरएल आउट होके मेन बोर्ड पे यहाँ पर मिक्सर पे इन होता है, वहाँ पर ही आपका प्रॉब्लम होता है और आपका ठीक है। तो उसको मतलब आपका 100% लूज कॉन्टेक्ट होता है, ये अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो उसके कारण आपका ये प्रॉब्लम आ जाता है साउंड का, ठीक है। तो इसमें वही प्रॉब्लम था, तो इसको हमने अंदर से खोल के लूज कॉन्टेक्ट को, मतलब लूज टाइप का होता है, तो उसको टाइट करने से हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने टाइट कर दिया, तो हमारा यह सेट ओके हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। अगर आपका पास खुद ही इसी प्रॉब्लम का आए, तो आपका पहले ऊपर का ये बोर्ड खोले, ये बोर्ड खोलने के बाद आपका जो इसका आरएल है वो सब आप चेक कीजिए, अच्छे से टाइट कर दीजिए, तो आपका सेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ऑडियो आना चाहिए, आपका ऑडियो आपका बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका सप्लाई चेक कीजिए, जो आपका एट बॉल माइनस और प्लस होता है, लेकिन इसमें आपका एट बॉल पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं होता है। और दूसरा जो मिक्सर किट होता है उस पर आपका एट बॉल माइनस प्लस दो आता है, लेकिन इस पर आपका माइनस बॉल नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम का जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कॉल कर सकते हो और डायरेक्ट नंबर लेके भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर मैं इसमें दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा, 8135089451। इसी नंबर पर कॉल करके आप कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बस। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो इसी टाइप का डीजे अगर लेना चाहते हैं आप लोग, तो अच्छा है, जो इसमें जाली है तो इसमें जल्दी टूटता भी नहीं है, ठीक है बस। तो चलिए।